बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओके चैप्टर 10 पार्ट 1 ओके सो नाउ सी हियर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स ओके जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए बीआरएस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके सो विदाउट बीआरएस दे आर नॉट ऑपरेटिंग देयर बिजनेस प्रॉपरली ओके बराबर जो बीआरएस कंपनी में नहीं होगा सो दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट देयर बिजनेस प्रॉपरली सो दैट्स व्हाई बीआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बिजनेस ओके अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ओके इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है बिकॉज इफ यू नो द बैंक बैलेंस ओके सो आपको बीआरएस बनाना ही पड़ेगा ओके नाउ सी हियर जैसे आपने बैंक में कॉल किया पूछा कि मेरा बैलेंस कितना है ओके उसने बताया 25 लाख ओके बिकॉज इन बैंक इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस देन देयर इज अ करंट अकाउंट ओके तो वहां पे सेविंग अकाउंट नहीं होगा वहां पे आपका करंट अकाउंट ही होगा ओके सो नाउ करंट अकाउंट जो आपका होता है वो सिर्फ फॉर ओनली फॉर बिजनेस पीपल्स ओके एंड आर्टिफिशियल पर्संस क्रिएटेड बाय लॉ दे आर एबल टू ओपन द करंट अकाउंट ओके सेविंग अकाउंट इज ओपन बाय नेचुरल पर्संस लाइक यू एंड मी ओके बट फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट द नीड ऑफ आर्टिफिशियल पर्संस एंड दैट इज अ कंपनी ओके नीड ऑफ आर्टिफिशियल पर्संस क्रिएटेड बाय लॉ एंड दैट इज अ कंपनी फॉर्म देन पार्टनरशिप HUF व्हाटएवर ओके सो करंट अकाउंट इज ओनली ओपन बाय द कंपनी एंड बिजनेसमैन ओके सो दोज आर डूइंग दोज आर इन्वॉल्व इन बिजनेस ओके दे आर एबल टू ओपन देयर करंट अकाउंट ओके सो विदाउट करंट अकाउंट नाउअडे बिजनेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट बैंक अकाउंट इन इन विदाउट बैंक अकाउंट द बिजनेस इज नाउ इम्पॉसिबल ओके विदाउट बैंक तो बिजनेस हो नहीं सकता नहीं है हाँ इसके अलावा सपोज आपका स्किल का बिजनेस है ओके प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन नॉट अ बिजनेस सपोज इफ यू आर अ टीचर ओके तो एक टाइम में टीचर का अकाउंट्स नहीं होगा फिर भी चल सकता है ओके क्योंकि टीचर्स इज इन्वॉल्व इन नॉट इन बिजनेस ही इज इन्वॉल्व इन प्रोफेशन ओके बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस बिजनेस इन्वॉल्व ओनली टू थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग So the huge payment is made by checks only. Okay. Example 1 crore, 2 crores. If you have to pay 50 lakhs, if you have to pay 25 lakhs, if you have to pay 10 lakhs, okay. तो इतना बड़ा अमाउंट आप चेक से इजिली पे कर सकते हो हार्ड कैश चलता ही नहीं है दैट इज अकाउंटिंग लॉ इन बिजनेस मोर देन 20,000 कैश रिसीव्ड और पेड इज नॉट अलाउडेड दैट इज अगेंस्ट लॉ दैट इज अगेंस्ट लॉ Up to 20,000, there is a limit, okay. But beyond 20,000, there is a law. You can't pay 20,000 more than 20,000 and received more than 20,000, okay. That is a accounting law, okay. So, BRS is the most important viewpoint of knowing the bank balance. Now, suppose if you want to know the bank balance, you can call in your bank and ask the accountant otherwise account manager okay what is my balance okay he says 25 lakhs okay 25 lakhs is not an actual balance okay bank mein phone kiya usne bataya ki bhai aapka balance hai 25 lakh okay kyunki current account mein utna amount hona chahiye beta current account minimum balance is 25,000 25,000 se aapka 1 bhi rupya kam hota hai then they will charge in your account In saving account, nationalized bank minimum amount is 1,000 or in some banks 5,000. Okay. Even the saving accounts minimum balance is 1,000 or maybe 5,000. Okay. But in current account, in some banks minimum balance is 25, and in some banks 50,000, in some banks 25,000. Okay. Depends on the policy of their own bank. So when we call in your bank and he says. Balance is 25,000. That is not a right balance, okay? Because there are 14 reasons. There are 14 reasons, and that reasons we have to discuss now, okay? So what is the reason that that's why the balance is not tally, okay? Brother,
सो 14 डिजिट ऐसा है उससे बिकॉज ऑफ दैट द बैलेंस इज नॉट टेली. ओके, आपका जो बैंक बैलेंस है आपका जो आपके पास, देखो क्या होता है, कैशबुक होता है, कैशबुक में बैंक कॉलम आप पढ़ चुके हो अभी कैशबुक में. ओके, बराबर है. मनी कम्स इन अकाउंट ऑन डेबिट साइड, मनी गोज आउट अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, बराबर है. ये आपका क्या था, कैश अकाउंट था. ओके, बैंक पासबुक आपने सबने देखा हुआ है, पासबुक आप सबने पासबुक देखा हुआ है बैंक का. ओके, उसमें क्या होता है, पासबुक में क्या होता है, यस, सो डेट देन पर्टिकुलर DRCR और बैलेंस. ओके, बराबर है. बैंक में उल्टा होता है, जब पैसा आता है तो बैंक उसको क्रेडिट करता है और जब पैसा जाता है तो बैंक उसको डेबिट करता है. ओके, पासबुक में उल्टा होता है. जैसे अपने कैशबुक में क्या था, मनी कम्स इन अकाउंट ऑन डेबिट साइड, मनी गोज आउट अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. ओके, इन कैशबुक के, बट इन पासबुक द सिस्टम इज डिफरेंट. ओके, जब व्हेन मनी कम्स इन इट इज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड एंड मनी गोज आउट इट इज रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड पासबुक में, बराबर है. तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब पैसा आएगा बैंक में तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, जब बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक उसको डेबिट करेगा. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है उसमें. ओके, सो जब भी आपका आप टैली करोगे आपका बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, ओके, दोनों कभी मैच नहीं होगा बिकॉज देर आर 14 रीजंस. ओके, सो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन रीजंस. ओके, ओपन योर बुक्स और मेरे को फर्स्ट रीजन बताओ क्या है. ओपन योर बुक्स और गिव मी फर्स्ट रीजन. ओके, फर्स्ट रीजन क्या है, ओपन योर बुक्स. देखो मेरे पास तो ओल्ड बुक है तो इसमें शायद जो एक्चुअली ये क्या है, बड़ा लेसन है. ओके, तो जितना जल्दी खत्म हो जाएगा तो उससे आपका सिलेबस ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस और ये लेटर पोस्टिंग ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है. ओके, वो तो फटाफट हो जाएगा. अपना लेटर पोस्टिंग तो हो चुका है. ओके, सिर्फ आपका ट्रायल बैलेंस बाकी है, उसका भी आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ आज. ओके, सो इन BRS देर आर 14 रीजंस, नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. ओके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आपका शायद पेज नंबर अलग होगा, मेरा पेज नंबर अलग होगा बिकॉज आई हैव ओल्ड बुक, आपके पास न्यू बुक होगा. सो चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक. ओके, बराबर है. अभी आपकी नोटबुक्स ओपन करो. ओपन योर नोटबुक्स और फर्स्ट उसमें लिखो, पहले उसमें लिखो मेन पॉइंट्स ऑफ BRS, हेडिंग दे दो आपका मेन पॉइंट्स ऑफ BRS. हेडिंग दे दो मेन पॉइंट्स ऑफ BRS, उसमें पॉइंट वन लिखो, उसमें चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. फर्स्ट पॉइंट लिखो, चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. देखो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल टूडे इज 28. ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल सपोज टूडे इज 29 और ये मंथ आपका है 30. ओके, 30 का मंथ है आपका, बराबर है. टूडे इज 29, बराबर. 29 को आपको चेक मिला, आपने 30 को डिपॉजिट किया बैंक में, योर डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 30. ओके, चेक रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम SBI. ओके, SBI का चेक मिला है, बराबर है. और आपकी बैंक कौन सी है, HDFC है. आपकी बैंक कौन सी है, HDFC, बराबर है. अभी होता क्या है यहाँ पे कि जब भी आपको चेक मिलता है, ओके, जब भी आपको चेक मिलता है
तो आप क्या करोगे, उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करोगे, बराबर है। आपकी बैंक कौन सी है, एचडीएफसी है, आपको चेक मिला कौन सा है, एसबीआई का, ओके। तो अभी होता क्या है कि जब भी आपको चेक मिलेगा, ओके, नेक्स्ट डे आप बैंक पर डिपॉजिट करोगे, उसके बाद आपके बैंक में से जाएगा क्लियरिंग में, ओके, बराबर। नेक्स्ट डे क्लियरिंग में आपके अकाउंट में से पैसा माइनस होगा, बराबर है, और थर्ड डे उसके सामने वाले अकाउंट में से पैसा कट होके अपने अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, ओके। तो इट टेक्स मिनिमम 1 to 2 days, ओके, बराबर है। 102 दिन लगता है इसको प्रोसीजर में, ओके। सेम डे कभी आपका अकाउंट, आपको जो चेक आप भरोगे तो सेम डे क्लियर नहीं होगा, ओके, बराबर। सेम डे अभी वो क्लियर नहीं होगा। सो जब भी आपको चेक मिलेगा, ओके, आप बैंक में भरोगे तो वो सेम डे क्लियर नहीं होगा, ओके। इट टेक्स 2 or 3 days, बराबर। इसको लगेंगे 1 to 2 दिन लगेंगे, बराबर। तो होता क्या है कि आपको चेक मिला, सो व्हेन वी रिसीव चेक, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक, इन कैश बुक। डेट कौन सी होगी, 30 होगी, बराबर है। तो 30 को आप लिखोगे यहाँ पे कि चेक मिला है। सो आपको चेक मिला, आपने डेबिट कर दिया, आपका बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, ओके। बट अभी सामने ये मंथ में आपका जो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ नहीं है, सो दैट्स व्हाई योर बैंक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस इज नॉट मैच, ओके। सो आपका बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बैंक में इंक्रीज हुआ नहीं है, क्योंकि वो चेक अभी ये मंथ में डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। और BRS आपको मिलता है ना उस ईयर, एक पॉइंट आप क्लियरली सुन लो पहले, कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेविंग अकाउंट, ओके, आपका जो सेविंग अकाउंट है तो आपको कभी भी उसका प्रिंटआउट मिल जाएगा, कभी भी आपको उसका प्रिंटआउट मिल जाएगा, ओके। बट आपका जो करंट अकाउंट है तो उसको उसमें आपको कभी भी प्रिंटआउट नहीं मिलने वाला, ओके, वो जब मिलेगा लास्ट डे ऑफ द मंथ। सो मेजोरिटी बैंक्स आर गिविंग लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ में ही आपको प्रिंटआउट मिलेगा, उससे पहले बीच में आपको प्रिंटआउट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बैलेंस मिल जाएगा कि आपका इतना बैलेंस है, पर आपका जो अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का प्रिंटआउट आपको लास्ट डे मिलेगा। बहुत सारी बैंक 2 दिन देती है, 15 तारीख को और 30 तारीख को, बट मेजोरिटी बैंक्स आर गिविंग प्रिंटआउट ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, बराबर। सो ये मंथ में क्या हुआ, आपको चेक मिला, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बट वो चेक अभी बैंक में ये मंथ में डिपॉजिट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में होगा, बिकॉज टुडे डेज इज 30, ओके। तो 30 को तो आपका जो मंथ है वो क्लोज हो चुका है, योर बैलेंस इंक्रीज बाय ₹5,000, बट योर बैंक बैलेंस इज नॉट इंक्रीज बाय 5,000, तो वहां पे आपका इंक्रीज हुआ नहीं है, बिकॉज इट टेक्स 2 to 3 days, ओके। तो जो प्रोसीजर है आपका चेक का, वो कम से कम 1 to 2 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पैसा आने में, बराबर है। सो दैट्स व्हाई योर बैलेंस इंक्रीज बाय 5,000, बट योर बैंक बैलेंस इज नॉट इंक्रीज बाय 5,000, ओके। सो डेबिट हो चुका हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो, ओके। तो उसमें लिखो CR, लिखो उसमें लिखो CR, जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा उसके सामने बड़े हैंडराइटिंग से लिखो CR, ओके। क्या होगा यहाँ पे, CR होगा, क्या होगा वहां पे, CR होगा। सो डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको क्रेडिट कर दो, ओके। सो DR हो चुका हुआ है, CR नहीं हुआ, तो उसको CR कर दो, ओके। फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बराबर। चेक आपने दे दिया, बराबर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। अभी सामने वाले को आपने चेक दे दिया, बराबर, पर उसने अपने पास ही रखा हुआ है बैंक में, अभी उसने डिपॉजिट नहीं किया। सो व्हेन वी चेक इश्यूड, आप क्या करोगे, जब आप चेक दोगे तो आपके अकाउंट में क्या होगा, वो कैश अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, CR होगा, DR होगा, CR होगा। बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ, व्हेन वी इश्यू ए चेक, CR, ओके, बराबर है। इश्यू यानी पेमेंट करना, ओके। तो जब भी आप पेमेंट करोगे, आपके बुक में वो CR होगा। तो आपने तो CR कर चुके, ओके,
सामने वाले को चेक मिल चुका है पर उसने अभी अपने अकाउंट में जमा किया हुआ नहीं है, उसके पास ही वो चेक पड़ा हुआ है। ओके ऐसा भी होता है कि सामने वाले को चेक दे दिया और उसके बाद वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया तो चेक उसके पास ही रह गया। ओके बराबर है। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके तो ये आपको लिखना है, उसके सामने सीआर तो हो चुका हुआ है, डीआर नहीं हुआ तो आपको बीआरएस में डीआर करना है। ओके बीआरएस में आपको क्या करना है, डीआर करना है। ओके चेक इश्यू हो चुका है, ओके चेक जो है वो क्रेडिट हो चुका हुआ है, डेबिट नहीं हुआ तो सॉरी हाँ चेक क्रेडिट हो चुका हुआ है, डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट करेंगे। ओके बराबर। तो सीआर हो चुका हुआ है, डीआर नहीं हुआ तो उसको डीआर कर दो। ओके सो उसमें लिखो बड़े हैंडराइटिंग से डीआर लिखो। ओके सेकंड पॉइंट में नाउ थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। ओके डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक लिख दो पहले पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड कस्टमर इन बैंक। ओके इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया है, जैसे आप लोग करते हो ना स्कूल की फीस जो है वो डायरेक्टली अभी बैंक में आप जमा करते हो, बराबर है। तब यहाँ पे जो अकाउंट है उसको पता नहीं है, नालंदा में जो अकाउंट है उसको पता नहीं कि आज आपने पैसा डिपॉजिट किया है। कब पता चलेगा, व्हेन ही रिसीव द स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके हाँ वो पता चलेगा कि आज इतना बैलेंस इंक्रीज हुआ है, पर कौन से स्टूडेंट ने पैसा भरा है वो पता चलेगा नहीं। ओके जब उसका स्टेटमेंट आएगा एंड ऑफ द मंथ में तब पता चलेगा कि हाँ इतने इतने स्टूडेंट्स ने ये जो नाम है, ये जो स्टैंडर्ड्स है, इसमें से उन्होंने फीस पे किया है। ओके सो दैट्स व्हाई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक, कस्टमर ने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया हुआ है। ओके वो आपको पता नहीं है कौन से कस्टमर ने जमा किया हुआ है। सो व्हेन वी रिसीव अ स्टेटमेंट इन दैट केस यू हैव टू कंफर्म दैट कि ये कस्टमर ने पैसा जमा किया हुआ है। ओके जैसे आप लोग पैसा भरते हो बैंक में तो यहाँ पे पता चलता नहीं है कि कौन से स्टूडेंट्स ने पे किया। ओके बट व्हेन द अकाउंटेंट रिसीव द स्टेटमेंट यू कैन नो दैट कि ये स्टूडेंट्स ने पैसा जमा किया हुआ है। तो जब पैसा जमा करोगे तो बैंक क्या करेगा उसको, बॉयज एंड गर्ल्स आपने पैसा जमा किया ओके तो बैंक क्या करेगा उसको, डीआर करेगा सीआर करेगा। हाँ क्या करेगा वो, आपने पैसा जमा किया हुआ बैंक में ओके तो बैंक में क्या होगा, डीआर होगा सीआर होगा। आंसर प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर क्या होगा इसका। हाँ बैंक क्या करेगा उसको, डीआर करेगा सीआर करेगा। एनीवन प्लीज आर्ची, सीआर करेगा। यस ओके तो आप जब पैसा जमा करोगे तो बैंक उसको सीआर करेगा, आपको पता नहीं है कि भी किसने पैसा जमा किया है, जब स्टेटमेंट पास आएगा तब पता चलेगा कि हाँ इसने सीआर किया हुआ है। ओके तो आपको क्या करना है, डीआर करना है। ओके आपको क्या करना है, डीआर करना है बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, चलो ये तो स्कूल है ओके बराबर है, बिजनेस में तो पूरे इंडिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है और आपका जो अकाउंट है एसबीआई में, एसबीआई की ब्रांच पूरे इंडिया में है, मोर देन 10,000 ब्रांचेस अवेलेबल इन द इंडिया ऑफ एसबीआई। ओके सो कौन से स्टेट में से कौन सी सिटी में से चेक डिपॉजिट हुआ वी डोंट नो। ओके बट व्हेन वी रिसीव स्टेटमेंट इन दैट केस वी नो कि भाई ये स्टेट में से ये सिटी में से पैसा इतना जमा हुआ है। ओके सो बैंक ने उसको क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट हुआ नहीं तो उसको डीआर डेबिट कर दो। ओके साइड ऑन डीआर लिख दो, स्टेटमेंट के आगे डीआर लिख दो। ओके नाउ नेक्स्ट वन, इंटरनेट कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट। ओके इंटरनेट कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट। हाँ इंटरेस्ट वही बोला, इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा ओके रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट।
recorded by bank into this account. So वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको, जो एक साथ दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद कमीशन दिया हुआ है, उसके बाद चार्जेस दिया हुआ है. ओके, तीनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, अभी देखो इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता भी है और देना भी पड़ता है. इंटरेस्ट दोनों जगह होता है. ओके, जब मिलेगा बैंक उसको सीआर करेगा, जब आपको इंटरेस्ट देना होगा तो आप बैंक उसको डीआर करेगा. बराबर है? जब आपका बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. जब बैंक ओडी होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा. बराबर है? आपको इंटरेस्ट देना होगा. ओके, सो व्हेन यू हैव बैंक बैलेंस, यू आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. व्हेन यू हैव बैंक बैलेंस, यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट. ओके, सो बैंक क्या करेगा, उसको क्रेडिट करेगा. आपको क्या करना है, डेबिट करना है. मैं आपका दो अटेंडेंस लेता हूँ. अटेंडेंस जो अटेंडेंस, सो इसमें नाम है आर्ची, आर्या, आयुष, देवांगी, दिया पटेल, दीक्षित पटेल, दिया प्रजापति, विधि मिस्त्री, हिमल, हनी, इशिता, काजल, कवित, शांग, मैत्री, मालिनी, मानुष, नीलकंठ, निष्का, ऋषा, प्रियांशी, प्रियंशिता, राज, राधा, रोनी, श्रद्धा, शुभ, यांशिक, संजय, द्विज पटेल और देव. ओके, इतने प्रेजेंट है आज के. बराबर है? बाकी सब एब्सेंट हो जाएंगे. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. नाउ आपका जो पॉइंट चल रहा था, एंड दैट इज अ इंटरेस्ट. ओके, बराबर है? तो इंटरेस्ट में क्या है, दोनों हो सकता है. ओके, व्हेन यू हैव बैंक बैलेंस, यू रिसीव द इंटरेस्ट, बैंक उसको क्रेडिट करेगा. जब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डेबिट करेगा. ओके, तो जब बैंक क्रेडिट करेगा तो आपको डेबिट करना है, और जब बैंक डेबिट करेगा तो आपको क्रेडिट करना है. ओके, उसके बाद कमीशन. कमीशन सेम थिंग, व्हेन वी रिसीव कमीशन, बैंक इज क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट, तो आपको डेबिट करना है. ओके, सो व्हेन कमीशन इज पेड, ओके, सो बैंक उसको डेबिट करेगा, आपको क्रेडिट करना है. ओके, उसके बाद चार्जेस. चार्जेस तो बैंक डेबिट ही करेगा. ओके, चार्जेस कभी क्रेडिट होता नहीं. ओके, तो जो बैंक चार्ज होते हैं बैंक उसको डेबिट करेगा. ओके, आपको पता नहीं है कि बैंक ने आपका जो बैंक चार्ज डेबिट किया हुआ है. ओके, तो आपको क्या करना है, सीआर करना है. ओके, डीआर हो चुका है, आपको सीआर करना है. ओके, सो यहां पे आपको दोनों चीज होगी, तो आप यहां पे आपको डीआर सीआर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि दोनों चीज हो सकती है यहां पे. तो बैंक इतना आपको याद रखना है कि बैंक सीआर करेगा तो आपको डीआर करना है, और बैंक ने डीआर किया तो आपको सीआर करना है, बस दैट्स ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, जन पढ़ो. अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए ट्रेडर एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके, बराबर. अभी ऐसा हो सकता है कि बिहाफ ऑफ कस्टमर, ओके, बराबर, बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, अपने अकाउंट में क्रेडिट कर चुके, बट वो अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी इसका मतलब कि कैश बुक में डेबिट हुआ नहीं. ओके, सो इसमें लिखो स्टेटमेंट, अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट
by a bank but not recorded in cash book. But not recorded in cash book. इसका मतलब है कस्टमर के बिहाफ में बैंक ने पैसा जमा कर लिया अपने अकाउंट में, तो बैंक ने उसको सीआर किया है, आपको डीआर करना है. ओके, सीआर हो चुका हुआ है, डीआर नहीं हुआ तो आपको डीआर करना है. ओके, सो उसको डीआर कर दो. ओके, बराबर. नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक. चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक, बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक. इसका मतलब क्या है, चेक रिकॉर्ड इन कैश बुक बट लेफ्ट ऑन डिपॉजिट इन द बैंक. इसका मतलब कि क्या, आपको चेक मिला है, चेक मिला, सो व्हेन वी रिसीव चेक इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. ओके, इन बैंक कॉलम, बट बाय मिस्टेक द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. गलती क्या हुई है, चेक मिला है उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, गलती से उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ऐसा हो भी जाता है. That is a human error, okay. That is a human error, ऐसा होता है. Okay. चेक मिला है पर गलती से आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, बराबर है, तो आपका तो बैलेंस इंक्रीज हो चुका है कैश बुक में, पर बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं. क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो बैंक में वो चेक डिपॉजिट हुआ नहीं. ओके, सो हियर when check received it is debited in cash book by mistake the same check is not deposited in the bank. wo check bank mein deposit hua nahi hai, so dr ho chuka hua hai, cr nahi hua, then make the cr. okay, so yahan pe likh do bade heading se cr likh do. check received. okay, चेक रिसीव उसको रिकॉर्ड भी कर दिया और गलती से डिपॉजिट नहीं किया, सो डीआर हो चुका है, सीआर नहीं हुआ था, उसको सीआर कर दो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नाउ, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके, अभी उसका रिवर्स, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इसका मतलब यह हुआ है कि चेक मिला है बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ओके, अभी ऐसा हो सकता है कि आपको चेक मिला. ओके, आपको चेक मिला. ओके, उसके बाद उसको रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ओके, ऐसा हो सकता है क्योंकि बिजनेस है. ओके, तो बहुत सारे चेक आते जाते हैं. ओके, तो ऐसा सोचा होगा कि नहीं इसको बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं. ओके, तो चेक तो मिल गया आपको, आपने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट बाय मिस्टेक इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, अभी हुआ क्या, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है बट आपका कैश का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ नहीं. ओके, सो सीआर हो चुका हुआ, डीआर नहीं हुआ, देन राइट डाउन डीआर. सो सीआर हो चुका हुआ है, डीआर नहीं हुआ, तो उसको बीआरएस में क्या करेंगे, डीआर करेंगे. ओके, next one, check issued and presented for payment in bank but left unrecorded in cash book. check issued presented for payment in bank but left unrecorded in cash book. okay, abhi hua kya, check issue kiya. okay, jo party aayi thi payment lene ke liye to usko hard payment chahiye tha, usko payment de diya. okay, उस वो चेक लेके चली गई, उसने अपने अकाउंट में भी डाल दिया, बट गलती से वो चेक आपके बुक में अभी तक रिकॉर्ड हुआ नहीं है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में डेबिट हो चुका है बैंक में, आपका बैंक बैलेंस कम हो चुका हुआ है, बट आपका जो कैशबुक का बैलेंस अभी कम हुआ नहीं है, तो उसको कम करना है। ओके, सो बैंक में डीआर हो चुका है, आपको सीआर करना था, सीआर हुआ नहीं, ओके, तो उसको सीआर कर दो। ओके, बैंक में डीआर हो चुका हुआ है, आपके अकाउंट में आपको सीआर करना है बट सीआर हुआ नहीं है, सो रिकॉर्ड सीआर। ओके, सो आप लिख दो यहाँ पे बड़े हैंडराइटिंग से सीआर लिख दो। ओके, होम स्टेटमेंट पे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू ट्रेडर्स। ओके, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू ट्रेडर्स, इसका मतलब क्या है कि भाई चेक आया, ओके, बराबर, सॉरी कस्टमर को, जो सप्लायर था वो पेमेंट लेने आया, ओके, बराबर है, दोनों बातों में थे। ओके, चेक लिख भी दिया, अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी कर दिया और वो चेक लिए बिना ही चला गया। ओके, अदरवाइज उसका कॉल भी आया होगा कि भाई चलो भाई मेरे को चेक पेमेंट चाहिए, ओके, आप चेक तैयार रखो, मेरा आदमी आ रहा है, आके लेके जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, उसने कॉल किया कि आई नीड अर्जेंट पेमेंट, आप चेक लिख के रखो, मेरा आदमी चेक लेने के लिए आ रहा है। ओके, सो व्हाट यू आर डन, आपने चेक लिख दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, रेडी करके आपके टेबल पे आपने रख दिया। ओके, पर उसका आदमी लेने आया नहीं। ओके, तो उससे क्या हुआ कि आपका बैलेंस सीआर हो चुका हुआ है, आपका बैंक बैलेंस तो कम हो चुका हुआ है, ओके, बट आपका जो बैंक का जो बैलेंस है वो डीआर हुआ नहीं है, बिकॉज चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय द पर्सन, दैट्स व्हाई। ओके, सो इन आवर अकाउंट द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस, बट इन पासबुक द बैंक बैलेंस इज नॉट रिड्यूस। ओके, सो इन आवर अकाउंट सीआर इज मेड बट इट इज नॉट डीआर इन योर बैंक बुक, सो मेक इट डीआर इन योर बीआरएस। ओके, मेक डीआर इन बीआरएस, सो यहाँ पे डीआर कर दो बेटा, यहाँ पे बड़े हैंडराइटिंग से डीआर कर दो। ओके, नेक्स्ट वन, पेमेंट मेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, इसके बाद का है, पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो अभी ऐसा हो सकता है कि बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया पर आपको पता नहीं है, वो किस में होता है, ईसीएस में होता है, वो किस में होता है, ईसीएस में होता है। ओके, सपोज इफ यू आर परचेसिंग एनी कार और बंगलोज और फ्लैट्स ऑन ईसीएस, बैंक आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डेबिट करेगा। ओके, आपको आपके अकाउंट में सीआर करना है। ओके, बैंक आपके अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट करेगा, आपको सीआर करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना होगा बैंक डेबिटेड इन अवर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। ओके, तो यहाँ पे डेबिट हो चुका है, डीआर हो चुका हुआ है, सीआर हुआ नहीं है, तो आपको सीआर करना है। ओके, राइट ऑन सीआर। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी सोन ऑफ ए बिल्स एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, अभी चेक और बिल दोनों डिसऑनर हो सकता है। ओके, चेक और बिल दोनों बाउंस हो सकता है। ओके, बट रेयर केस में बार बार नहीं होता है। ओके, रेयर केस में आपका जो बिल है, हाँ बेटा, हेलो, ओके ओके, हाँ तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है। ओके, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग रख दूंगा। ओके, तो आपको डायरेक्टली सुनाई देगा। ओके, क्लियर वॉइस में, क्लियर दिस, मैंने आज का रिकॉर्डिंग कर दिया है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, नाउ डिसऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ओके, सपोज आपका चेक और बिल बाउंस हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। ओके, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। ओके, तो जब भी आपका चेक और बिल डिसऑनर होता है तो बैंक उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा, आपको क्या करना है, राइट करना है। ओके, सो राइट डाउन सीआर। ओके, राइट डाउन सीआर, जब भी आपका बिल और चेक बाउंस होगा तो बैंक उसको क्या करेगा, बैंक उसको करेगा डेबिट। ओके, बैंक क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा, आपको
सब्सक्राइब करना है, आपको सीआर करना है, ओके। जब भी आपका बिल और चेक बाउंस होगा बैंक उसको डेबिट करेगा, आपको सीआर करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन अदर एरर्स, ओके बराबर है। अदर्स में क्या हो जाएगा, अदर्स एरर्स में, दो मिनट, अदर्स एरर्स में आपका हो सकता है जैसे एग्जांपल कि बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया ज्यादा अमाउंट, तो आपको क्रेडिट करना है, ओके। अदरवाइज बैंक ने क्रेडिट कम किया है, ओके, तो आपको क्रेडिट करना है, बराबर है। पासबुक में डेबिट से ज्यादा गलती से अमाउंट रख दिया, तो आपको सीआर करना है डीआरएस में। सीआर में आपका ज्यादा अमाउंट हो गया है, तो आपको डीआर करना है। डीआर में आपने आपके आपकी जो बैंक कैशबुक है, बैंक कॉलम में आपने कम अमाउंट लिखा, तो आपको डीआर करना है। बैंक कॉलम में आपने सीआर में कम अमाउंट लिखा, तो आपको सीआर करना है, बराबर है। यानी उसको कहते हैं अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, ओके, उसको कहते हैं अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। जब भी अंडरकास्ट हुआ है तो आपको सेम साइड लिखना है अमाउंट, और जब भी ओवरकास्ट हुआ है तो आपको रिवर्स साइड लिखना है, ओके। जब भी आपका जो बैलेंस है अंडरकास्ट हुआ है तो आपको सेम साइड लिखना है, और जब भी आपका ओवरकास्ट हुआ है तो आपको ऑपोजिट साइड अमाउंट लिखना है, ओके। तो ये चीज आप याद रखना बैंक बैलेंस में, ओके। सो यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स है वो खत्म हो चुका है, ओके। यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट्स है यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, बराबर। सो अभी कोई आपको डाउट्स है वो पूछ सकते हो, लास्ट टू मिनट्स आर लेफ्ट, ओके। ये पॉइंट्स में आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट द सम्स, ओके। तो ये आपको लर्न करना है डी आर सी आर, ओके, जो मैंने आपको लिखा है आज, आपको अच्छी तरह समझना है, समझ के करना है, लर्न मत करना है इसको, ओके, मगिंग मत करना, समझ के याद रखना, ओके, आप बराबर है। अकाउंट्स कभी मग नहीं होता है, ओके, और जब भी आप अकाउंट्स मगिंग करोगे अकाउंट्स आपको नहीं आएगा, इसको समझना है आपको। डीआर करना है या सीआर करना है उसको आपको समझना है, बराबर है, इसको मगिंग नहीं करना है। तो आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को अभी आप पूछ सकते हो, ओके, जो भी डाउट्स है आप मेरे को अभी पूछ सकते हो। सो मैं आज आपको ट्रायल बैलेंस का मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, ट्रायल बैलेंस का मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, बराबर, ओके। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो जितना हो सके उतना कवर करेंगे। हाँ बोलो बेटा।